अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने गौसला के बारे में पढ़ा था कि चार्ज इनक्लोज्ड जो होता है, नंबर ऑफ लाइंस जो पास करती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और वो बेसिकली हमारे पास क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज इक्वल टू कॉज विच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या था, गॉस लॉ। तो आज हम करेंगे एग्जांपल्स करेंगे कि जी गॉस लॉ बेसिकली हम फ्लक्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। सो हमारे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ फाइनाइट रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो स्प्रेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर विद फाइनाइट रेडियस मीन्स के उसका रेडियस फाइनाइट है, मीन्स निगलेक्ट एंड इफेक्ट्स। ट्रीट सिलेंडर एज इफ इट इज इन्फिनेटली लॉन्ग, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो इन्फिनेट है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सिलेंडर है। हम एज्यूम करते हैं कि ये लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनेट है और जो इसका रेडियस है वो फाइनाइट है। सो हमारे पास हम यूज कर सकते हैं इसके लिए टी इज इक्वल टू के टी क्यू ओवर आर स्क्वेयर फॉर दिस। सो अब हम इसमें से हमने इस पे गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास रो है चार्ज डेंसिटी जो इसके ऊपर स्प्रेड हुई हुई है थ्रू आउट, इसके पूरे वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड हुआ है रो। सो रो ग्रेटर देन जीरो है तभी तो हमारे पास चार्ज अवेलेबल होगा, अगर रो ग्रेटर देन जीरो है। सो ये हमारे पास रेडियस है इसका आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास हो रही है। ठीक है, आप व्यू कर सकते हैं, ये जो आपके पास एरो शेप है ऊपर और नीचे ग्रीन कलर में, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो अगर आप इसको डाउन द एक्सिस देखें तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर है एरिया सरफेस के साथ। सो ये हमारे पास एक, हम कहते हैं कि जी एक हमने गॉसियन स्फीयर ले लिया और उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है डी ए, जो हमारे पास वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के साथ। अब ये हमारे पास, हम दोबारा उसी व्यू में आ गए, ये हमने जो एज्यूम किया था ये हमारे पास वो गॉसियन स्फीयर है जो हमने एज्यूम किया है, और एरिया का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर है। सो ये हमारे पास इसकी लेंथ है एल, इसे एल से हम डिनोट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इनसाइड द चार्ज सिलेंडर बाई सिमेट्री ई मस्ट बी रेडियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियल होंगी। ये आप जो आप व्यू कर सकते हैं कि रेडियल शेप फॉर्म कर रही है। सो हम सिमेट्री ये कहती है कि जो ई जो है वो मस्ट बी रेडियल। सो अब हमने सिर्फ जो है वो गॉसियन स्फीयर ले लिया। अब ये इसका लेफ्ट साइड व्यू है, और इसमें आपके पास डी ए की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पहले भी देखा था कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ई और डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है। सो हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है, तो ई दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। सो ये हमारे पास राइट साइड व्यू है, इसमें इस तरह से होगा, और इसी तरह से डाउनवर्ड पोजिशन में और सेम हमारे पास आंसर जीरो आएगा इस केस में भी। अब हम ले लेते हैं ये वाला पोर्शन रह गया जो वॉल्यूम सिलेंडर का। अब इसमें आप देख सकते हैं डी ए जो है वो ई के पैरेलल में। ठीक है, अब जब पैरेलल में है तो हमारे पास जो है ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए बिकॉज ई इज पैरेलल टू डी ए। सो ई इज इक्वल टू ई मस्ट बी कॉन्स्टेंट एट एनी गिवन आर। हम एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो कॉन्स्टेंट है पूरे आर के लिए जहाँ भी रेडियस। सो
अब ये हमारे पास जो सेंटर वाला पीस आ गया, ये बेसिकली एक ट्यूब है। सो ट्यूब के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, फ्लक्स ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ ट्यूब ई डॉट डी ए, ई हमारे पास बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ ट्यूब डी ए। अब डी ए हमारे पास क्या है, एरिया क्या होगा इस केस में, वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ गॉसियन सिलेंडर इनटू लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। सो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और लेंथ एल है इसकी। सो ई 2 पाई आर एल आ जाएगा फ्लक्स, सो विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में हम फिर हमारे पास जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो वी इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू रो। अब वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू लेंथ, सो ए बेस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया हमारे पास सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वेयर, और लेंथ हमारे पास एल है। सो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, पास हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको रीअरेंज करके आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद भी इसको कर सकते हैं। जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये काम किस तरह से हो रहा है। यहाँ से हमने ई को इक्वेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए क्या आ रही है। सो ई इज इक्वल टू रो आर्स, कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। सो फॉर पॉजिटिव रो, अगर रो हमारे पास पॉजिटिव है, ये तीन केस बन जाते हैं, तो हमारे पास ई जो है वो ये आ जाएगी, और जो उसकी डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, जो हमने पहले भी कहा कि वो कांस्टेंट भी होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी। सो जनरल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ई इज इक्वल टू रो की पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हमने ये मॉड का साइन लगाया, क्योंकि हम अगर लेस देन जीरो होगी वैल्यू इसकी, तो वो हमारे पास आंसर वो हमारे पास फिजिबल नहीं होगा। सो इसलिए हमने इसको मॉड लगा दिया, इसलिए सब बाकी वही फार्मूला आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, चार्ज पर वॉल्यूम इज रो इज इक्वल टू क्यू ओवर पाई आर स्क्वायर एल, और जो चार्ज पर लेंथ है वो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल है। सो रो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर पाई आर स्क्वेयर एल विच इज इक्वल टू 1 ओवर पाई आर स्क्वेयर क्यू ओवर एल, और क्यू ओवर एल हमारे पास लेमडा है विच इज इक्वल टू लेमडा ओवर पाई आर स्क्वेयर। सो इसको हम ई में रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो लेमडा। अब हम उसको चार्ज पर वॉल्यूम से ले आए चार्ज पर लेंथ की फॉर्म में, सो इसलिए हमने लेमडा से उसको रिप्लेस कर दिया रो को। अब वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसलिए हमने उसके साथ मॉड का साइन लगाया, डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर।